हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टिल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूं, तो आज फिर आ गया हूं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो एकदम बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसा भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर स्टील का जो ग्रिल होता है बेसिकली कितना वजन आता है। बहुत सारी मेरी वीडियो बनी हुई है प्राइस को लेकर के, कितना प्राइस पड़ता है, कौन सा ग्रिल का क्या हिसाब से लेना चाहिए, वज़न में, केजी में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत सारा हिसाब है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे 4 फुट बाई 3 फुट का मेरा ये ग्रिल है। इसका वज़न मैं आपको कैलकुलेट करके, एकदम आपको वज़न करके अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि आप कितना इसका वज़न जाता है नॉर्मल स्टील का ग्रिल। तो ये वीडियो एकदम हेल्पफुल होने वाला है, तो मैं आपको नाप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस साइड से जो हमारा चौड़ाई है वो हमारा 4 फीट का है, देख सकते हैं आप। और अगर हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे चौड़ाई तो हमारा 4 फीट का है, तो हाइट की बात करूँ तो हमारा हाइट है यहाँ पे 3 फीट का। तो ये 4-3 का स्टैंडर्ड साइज़ का ये विंडो का ग्रिल है। तो हम लोग यही ग्रिल का साइज़ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको वज़न करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काटा है, तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं पहले, उसके बाद वज़न करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक ग्रिल का क्या कॉस्ट आता है लगभग। तो बहुत कोई का माइंड में क्या चलता है कि बहुत महंगा होता है स्टील, या फिर लोहे का सस्ता है, या जीआई का सस्ता है। तो इस पे आपको बहुत सारा आपको नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये ग्रिल को चलिए वज़न कर लेते हैं, यहाँ पे वज़न देख लेते हैं कि एक ग्रिल का वज़न कितना आता है स्टील में, क्योंकि लोहा का जो होता है वो बहुत भारी होता है और स्टील का होता है बहुत हल्का होता है, तो उसके कारण से प्राइस बहुत कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 किलो 300, यानी अप्रोक्स 6 किलो से 7 किलो के आसपास आपका वज़न आता है, ये नॉर्मल ग्रिल का वज़न है। तो आप यहाँ खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि एक स्टील का ग्रिल का वज़न 6 से 7 किलो वज़न जाता है, जबकि लोहा और जीआई का जो ग्रिल होता है उसका 20 से 30 किलो के आसपास 25 किलो वज़न चला जाएगा इस साइज़ में। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, जबकि स्टील का जो रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है जबकि उसका वज़न कम जाता है। और उसके बाद अगर लोहा और जीआई की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भले उसका प्राइस कम हो लेकिन वज़न की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जाता है। इसके कारण से जो प्राइस का अप्रोक्स आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहीं पर 19-20 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इससे आपको बेनिफिट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील का जो अभी ग्रिल चल रहा है तो वो आपको चीप एंड बेस्ट होता है, यानी जो आपका लिए लाइफ टाइम होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए नए ग्रिल अगर बनाने का देखना चाहते हैं तो अभी जो वीडियो शो कर रहा है उसको